अफगानिस्तान से पाकिस्तानी आतंकी को लेकर सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन तहरीके तालिबान पाकिस्तान का मोस्ट वांटेड आतंकी खालिद बटली उर्फ मोहम्मद खुरासानी अफगानिस्तान के पूर्वी नंगरहार प्रांत में मारा गया है। मोहम्मद खुरासानी पाकिस्तान में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी TTP का एक वरिष्ठ नेता था। इस बात की पुष्टि पाकिस्तान की ओर से की गई है। पाकिस्तान के शीर्ष सैन्य अधिकारियों ने मोहम्मद खुरासानी के मारे जाने की पुष्टि की है, हालांकि भारत तक इस बात की पुष्टि नहीं करता। पाकिस्तान के अधिकारियों ने इस घटना को लेकर बताया कि मोहम्मद खुरासानी की उम्र लगभग 50 साल थी और वो TTP का प्रवक्ता था। ये वही आतंकी है जिसने पाकिस्तान के लोगों के साथ साथ पाकिस्तान के सुरक्षा बलों पर भी कई हमले करवाए और वो इन सब में शामिल था। पाकिस्तानी अधिकारियों ने दावा किया है कि तालिबान के अफगानिस्तान में सत्ता पर कब्जा करने के बाद वो अक्सर काबुल का दौरा कर रहा था। वो TTP सरगना मुफ्ती नूर वली महसूद के साथ अपने संगठन के अलग अलग गुटों को एकजुट कर रहा था। वो आतंकवादी हमलों की योजना भी बना रहा था। उसने हाल ही में पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी हमला करने की धमकी भी दी थी। गिलगित बाल्टिस्तान का रहने वाला खालिद बटली उर्फ मोहम्मद खुरासानी पिछले कई सालों से TTP का ऑपरेशनल कमांडर था। 2007 में वो स्वात में प्रतिबंधित तहरीक निफास सरियत ए मुहम्मदी में शामिल था और TTP के पूर्व प्रमुख मुल्ला फजलुल्ला के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित था। खुरासानी खैबर पख्तूनख्वा के मीरामशार शहर में एक आतंकवादी ठिकाना चलाता था और ऑपरेशन जर्बे अजब के बाद अफगानिस्तान भाग गया था। बता दें TTP को कहा जाता है पाकिस्तानी तालिबान और ये अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर सक्रिय एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन है। पाकिस्तान सरकार ने ही तहरीके तालिबान पाकिस्तान को 2008 में ब्लैकलिस्ट किया था। TTP ने पिछले 10 साल में पाकिस्तान में कई बड़े हमले किए हैं। इस आतंकवादी संगठन का सबसे बड़ा गढ़ इमरान खान का गृह राज खैबर पख्तूनख्वा है। हाल ही में TTP के आतंकियों ने खैबर पख्तूनख्वा में चीन के इंजीनियरों की बस पर हमला कर 13 लोगों को मार दिया था। TTP इसके अलावा पाकिस्तान के आम नागरिकों और सुरक्षा बलों को भी अपना निशाना बनाता रहता है। पाकिस्तान के PM इमरान खान ने इस आतंकी संगठन को अभी फकीरों का संगठन ठहराने ही वाले थे कि पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट बीच में आ गया और इमरान खान को सीधे सीधे तलब कर दिया। ये पेशी थी आर्मी पब्लिक स्कूल पर हुए हमले के मामले में। साल 2014 में पाकिस्तान के पेशावर में आर्मी स्कूल पर हुए हमले को लेकर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले रहा था। खैर, आतंक को पालने वाला पाकिस्तान आज अपने ही जाल में फंसा हुआ है। ये वही जाल है जिसका दंश पाकिस्तान जब बना था तब से झेल रहा है। पाकिस्तान में कट्टरपंथी और चरमपंथी गुट कितने ज्यादा एक्टिव हैं ये दुनिया देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।